अंबेडकर नगर के टांडा क्षेत्र में चोरों का गैंग काफी खुलेआम घूम रहा है। मंगलवार को एक बैंक परिसर के अंदर चार सदस्यों ने कपड़ा व्यापारी को निशाना बनाया। जब व्यापारी पैसा जमा करने के लिए लाइन में खड़ा था, उस वक्त का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कपड़ा व्यापारी ने अलीगंज पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। जुबेर चौराहा पर संचालित कपड़ों की मशहूर दुकान भैयाजी कपड़े वाले के मालिक मोहम्मद अजहर पुत्र मोहम्मद अतहर निवासी सकरा कोतवाली टंडा मंगलवार दोपहर 1:30 बजे की घटना बताई गई, जब जुबेर चौराहे के पास स्थित हयात कॉम्प्लेक्स में संचालित यूनियन बैंक में वो 56,000 रुपए जमा करने गए थे। एक 10 से 12 साल के बच्चे ने बड़ी चालाकी से जेब से पैसा निकाल लिया और गायब हो गया। बैंक में लगे पुलिस गार्ड सीसीटीवी कैमरा भी कुछ न कर सके। इसे पता चलता है पुलिस कितनी एक्टिव है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उस बच्चे के साथ 3 और लोग भी थे जो जेब से पैसा निकालने के साथ बाहर निकले। पीड़ित कपड़ा व्यापारी जब पैसा जमा करने के लिए आगे बढ़े तो मात्र एक गड्डी ही बची थी, जिसके गिरने के बाद पता चला कि मात्र 20,000 रुपए बचा है। बाकी 35,000 रुपए को सक्रिय गैंग के सदस्य ने उड़ा दिया। पीड़ित दुकानदार ने अलीगंज थाना पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। अलीगंज थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रामचंद्र सरोज ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जल्द ही सभी को पकड़कर मामले का खुलासा किया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही।